हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। सो, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन हमें गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स वेयर मॉड एक्स इज मॉडुलस फंक्शन एंड इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड ब्रैकेट में जो एक्स है इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, अब देखो क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड करना है और हमें क्या गिवन है, मॉडुलस फंक्शन हमें गिवन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें गिवन है और फ्रैक्शन फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, लास्ट में जो है कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए था, वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है। ठीक है, तो इनसे क्या करना है, हमें इनका यूज़ करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, या फिर एक्स का डोमेन फाइंड करना है, इस तरह से भी हम इसे कह सकते हैं। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मॉडुलस एक्स मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कि अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू रहे, जैसे 2 रहेगा तो हमें रिजल्ट में 2 मिलेगा, और अगर -2 रहेगा तो भी रिजल्ट में हमें 2 ही मिलेगा। यानी कि अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू रहो, हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, एक पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। और जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स दिख रहा है, उसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम कहते हैं। मतलब क्या है, अगर इसके अंदर आप कोई भी नंबर लिखोगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, इंटीजर मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस तरह से इंटीजर, यानी -1, -2, -3 हम कह सकते हैं। ओके, यानी कि कोई भी रियल नंबर आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इसके अंदर हमने लिखे 4, तो 4 खुद एक इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू तो 4 ही रहेंगी। ओके, अगर हमने लिखा है 4.1, ठीक है, अब 4.1 इंटीजर नहीं है, वो एक रियल नंबर है, तो उससे पहले जो इंटीजर आता है 4.1 से, जो सबसे नज़दीक में इंटीजर है वो कौन सा है, वो है 4 है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी 4। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई भी नंबर रहेगा तो रिजल्ट में हमें एक इंटीजर नंबर ही मिलने वाला है। ओके, अगर आप लिखेंगे 4.9, ठीक है, तो इससे पहले जो इंटीजर आता है, यानी कि 4.9 से सबसे पहले कौन इंटीजर आता है, 4 आता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4। ओके, यानी कि जैसे कि हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ये इंटीजर है और इनके बीच में रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर रहेंगे ना, रियल नंबर, उसकी ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएंगी, 1 आएंगी। ठीक है, और 2 और 3 के बीच में जो भी नंबर रहेगा, उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो रहेंगी वो 2 आएंगी, और 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर रहेगा तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 आएंगी। जैसे कि सपोज यहाँ पे 3.4 है, तो इसकी इंटीजर वैल्यू आएंगी 3। तो इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, और तीसरा है फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसकी जो वैल्यू है ना, पहले तो आप देख लो, जो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होंगी 0.9, मतलब 0.999। कन्फ्यूज़ मतलब, इसलिए मैं सिर्फ कन्फ्यूज़ नहीं होने की वजह से सिर्फ 0.9 ही लिखता हूँ। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू होंगी 0.0। ओके, इसके बीच में ये रहेगा। ओके, फ्रैक्शनल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई नंबर दे कर 4, तो 4 की फ्रैक्शनल वैल्यू हमें क्या लिखना है, 0। अगर हमारे पास कोई नंबर है 4.5, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या लिखना है, हमें लिखना है 0.5। यानी कि इंटीजर नंबर के बाद में जितने भी एक्स्ट्रा का जो पार्ट है वो हमारे फ्रैक्शनल वैल्यू में चले जाएगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू के साथ में जो एक्स्ट्रा का पार्ट है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 4.5 है, तो 4.5 क्या होता है, दैट इज़ 4 प्लस 4, एक इंटीजर है, उसमें ऐड करेंगे 0.5, तो ये जो रहेगा ये रहेगा फ्रैक्शनल इंटीजर, इसकी वैल्यू रहेंगी। ओके, सपोज हमारे पास नंबर है 3.2, 3 इंटीजर है प्लस 0.2 क्या है, एक्स्ट्रा का पार्ट है। अगर हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालोंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, सिर्फ 0.2 मिलेगा। ओके,
तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 0.9 के बीच में रहती है, उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू होती नहीं है। ओके, एंड हम इन दोनों का यूज़ करके, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इनका यूज़ करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे कि हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स की वैल्यू है 4.2, ठीक है, और अगर हम 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 4 मिलता है। और वो अगर हम 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी ठीक है इंटीजर से को छोड़ के जो बचा वाला नंबर है वो क्या है, 0.2, दोनों की एडिशन करेंगे 4 + 0.2 वी गेट 4.2, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका फंक्शन है, इस तरह से ये काम करते हैं। अब इन्हीं का यूज़ करके हमें एक्स की वैल्यू जो है फाइंड करना है, जो हमें सब क्वेश्चन गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। ओके, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या है, इफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ए देन इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ए और एक्स इज लेस और इक्वल टू माइनस ए। ओके, तो इसका यूज करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फोर एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 और एक्स प्लस 4 इज लेस और इक्वल टू माइनस 5। ओके, ये तो हमने प्रॉपर्टी यूज करके लिख लिया है, बट किस तरह से आया वो भी हमें समझना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी। मॉड का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि अगर कोई भी वैल्यू रहो, नेगेटिव रहो चाहे पॉजिटिव रहो, रिजल्ट में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। ओके, तो अगर हम मॉड हटाते हैं तो हमें क्या पता उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू थी या नेगेटिव वैल्यू थी। हो सकता है एक्स प्लस 4 पॉजिटिव नंबर हो, या तो हो सकता है एक्स प्लस 4 जो है वो नेगेटिव नंबर हो, क्योंकि मॉड ऑपरेट करने पर रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों भी कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। अब ये वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिली गई है। ओके, अब यहाँ पे ये किस तरह से है वो हम देखते हैं। सो दैट इज माइनस ऑपरेट करने पे माइनस एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा प्लस 4, ठीक है, और ये प्लस 5 है, ये हो जाएगा माइनस 5। और जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन है ना, ग्रेटर और इक्वल टू, वो कन्वर्ट हो जाती है लेस और इक्वल टू में, ठीक है, यानी कि ये हो जाएंगे लेस और इक्वल टू 5, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, जब भी इक्वल साइन होता है तो क्या होता है, अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करो माइनस से मल्टीप्लाई करो वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम हमारे पास लेस और इक्वल टू या फिर ग्रेटर और इक्वल टू की साइन है, ठीक है, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमें क्या मिला, यहाँ पे एक्स प्लस 4 इज लेस और इक्वल टू माइनस 5 और दूसरे में मिले एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 5। ओके, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नहीं भी याद रहेंगी तो अगर मेथड पता होगा, मेथड क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या का मतलब क्या है, जिसके अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए हमने क्या किया था, एक बार पॉजिटिव लिखा एक बार नेगेटिव लिखा, पॉजिटिव लिखने पे हमें ये मिला, नेगेटिव लिखने पे हमें ये वैल्यू मिले, ठीक है। अब हमें इसे आगे सॉल्व करना है, सो देयरफॉर प्लस 4 उधर जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, सो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 और x इज लेस और इक्वल टू माइनस 9। अब हमें क्या वैल्यू मिली है, हमें x की वैल्यू मिली है ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी या तो 1 या फिर 1 से बड़ी कहाँ तक हो सकती, कितने भी हो सकती, इन्फाइनाइट तक। ओके, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके, एंड इस तरह से लिख सकते हैं या फिर यूनियन भी आप लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन माइनस 1, यानी कि सबसे छोटा एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस वन हो सकती है, ठीक है।
सॉरी उल्टा बोल दिया, एक्स क्या हो सकता है, या तो -9 हो सकता है या फिर -9 से लेस देन छोटा हो सकता है। ठीक है, तो -9 के लिए हम क्या लिखेंगे, -9, और उससे छोटा यानी कि कितना भी छोटा जाता है -∞ तक, तो -∞। ठीक है, इस तरह से तो एक्स का डोमेन हो गया 1 to ∞, -9 to -∞। ओके, ये था हमारा पहला क्वेश्चन एक्स की वैल्यू के लिए। देन सेकंड, सो दूसरा है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। मॉड का फिर से मॉड आ गया है, मॉड का मतलब हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम मॉड हटाते हैं तो ये जो वैल्यू हो सकती है या तो ये पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है, सेम इसी के लिए भी। अब यहाँ पे दो वैल्यू एक साथ है, मतलब कि क्या होता है, हमारे पास चार डिफरेंट केसेस हो सकती है। पहली केस क्या, या तो ये पॉजिटिव है या तो ये दोनों भी पॉजिटिव है। ओके, दूसरी केस क्या है, या तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तीसरी केस क्या हो सकती है, या तो पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। चौथी केस क्या हो सकती है, या तो पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरह से चार डिफरेंट केसेस हमारे पास हो सकती है एब्सोल्यूट वैल्यू हटाने से। ठीक है, लास्ट वाली देखते हैं पहले। ठीक है, अगर पहला नेगेटिव यानी कि एक्स प्लस 4 ये नेगेटिव है, ओके, और ये पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स माइनस टू है। ठीक है, दिख रहा है हमने क्या करें, मॉड हटाने के बाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि मॉड के अंदर क्या होता है, कोई भी वैल्यू रहो वो रिजल्ट में हमें पॉजिटिव मिल जाता है ना, इसलिए अगर हम मॉड हटाते हैं तो हमें इतने चार कंडीशन हमें मिल सकती है, या तो दोनों पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव, या तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या तो दूसरा नेगेटिव पहला पॉजिटिव। ओके, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगर हम ये कंडीशन लेते हैं तो क्या हमें मिल जाएगा, -x -4 + x -2। -x + x कैंसिल हो जा रहा, जो हमें फाइंड करना है वही कैंसिल हो जा रहा है, तो ये लेके कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, उसके ऊपर वाली लेके देखते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी कि एक्स प्लस 4 पॉजिटिव और ये नेगेटिव यानी कि x -2। तो क्या है, यहाँ पे x + 4 - x - -+2। अगेन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, +x - x कैंसिल हो जा रहा है, तो ये भी हम कंडीशन नहीं ले सकते। ठीक है, यानी कि हम तीसरी और चौथी कंडीशन नहीं ले सकते, हमारे पास सिर्फ दो ही केस बचेंगे। अब यहाँ पे लेंगे तो आपके लिए वो कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो दो केस क्या है, या तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या तो दूसरा पहला नेगेटिव, सॉरी, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। ठीक है, ये दो केस हम ले सकते हैं। ओके, तो हम ये लेंगे। सो केस वन, पहले हम पॉजिटिव ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस है, x -4 + x -2 = 3। Therefore, x - 4 + x - 2 = 3। x + x (2x - x - 2) - 6 = 3। -6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, सो देयरफॉर 2x = 3 + 6 = 9। सो देयरफॉर x = 9/2। 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5। ओके, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिली है, 4.5 हो। और केस टू क्या है, दोनों भी नेगेटिव, यानी कि -x - 4 - x - 2 = 3। ओके, सो देयरफॉर माइनस ऑपरेट करने पे -x - 4 - x - 2 = 3। देयरफॉर -x + 4 + x + 2 = 3। -x - 2x = 3। सो देयरफॉर -2x = +3 हो जाएगा, -3 हो, -6 हो जाएगा, सो 3 - 6 - 3। सो देयरफॉर
माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस माइनस गेट कैंसल, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय टू इज इक्वल टू 1.5। हेंस एक्स इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 4.5 मिला है, सॉरी एंड 1.5। तो इसे इस तरह से हमें सॉल्व करना था, ठीक है। मॉडल्स हटाने पे हमें यहाँ पे चार डिफरेंट केसेस मिलते हैं, लेकिन जो तीसरे चौथे जो केस थे, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, उसमें हमें एक्स कैंसिल हो जा रहा था, इसलिए हम सिर्फ केस वन और केस टू ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले तो कंसिडर करो कि नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं 7 के। 12 होना हमें, तो हम लिख सकते हैं 4 3 12, जिसका हमें एडिशन 7 मिलती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड एक्स प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर दो पार्ट करेंगे, क्या मिलेगा हमें रिजल्ट में, मॉड एक्स कॉमन लेने पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, एक्स मॉड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 और मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मॉड एक्स की वैल्यू क्या मिली है, माइनस 4 एंड माइनस 3, लेकिन जो प्रॉपर्टी है मॉडुलस की एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या है, अंदर कोई भी वैल्यू रहो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। लेकिन यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू में माइनस 4 मिली है एंड मॉड एक्स की वैल्यू में माइनस 3 मिली, ठीक है, जो कि क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि या तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं विच इज़ नॉट डिफाइंड, जो भी हमारे मर्जी मन में आता है वो लिख सकते हैं। ओके, हेंस एक्स बिलोंग्स टू कोई भी नहीं, एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, कुछ भी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमें एक ऐसी वैल्यू मिली, हमें मॉडुलस की वैल्यू माइनस 4 मिली है, यानी निगेटिव वैल्यू मिली, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक्स ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिस पे हमें मॉडुलस की वैल्यू माइनस मिलती है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे इसे खाली छोड़ देंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन, सो डी यहाँ पे हमें गिवन है मॉड एक्स इज लेस और इक्वल टू 3। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, सिंस इफ मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू, थ्री लास्ट वाली ग्रेटर और इक्वल टू के लिए थी, ये लेस और इक्वल टू के लिए, ठीक है, लेस और इक्वल टू 3, देन वी कैन राइट एज एक्स इज लेस और इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 3। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा एक्स इज बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस 3 टू प्लस 3। अब ये किस तरह से आया वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें देता है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर एक्स निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो चलो सही है, एक्स इज लेस और इक्वल टू 3, ये तो हमें मिल गया। अगर निगेटिव रहेगा क्या करना है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, यानी एक्स इज लेस और इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर इक्वल टू माइनस 3, यही कंडीशन हमें मिलती है, और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, या तो आप इस तरह से डायरेक्ट लिखो या तो आप इस तरह से लिखो, देयरफॉर एक्स इज लेस और इक्वल टू 3 ग्रेटर इक्वल टू माइनस 3, हेंस एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस 3 टू प्लस 3। या तो इस तरह से लिखो या तो इस तरह से लिखो, एक ही बात है। ओके, देन नेक्स्ट वन, सो 2 मॉड एक्स इज इक्वल टू 5, देयरफॉर मॉड एक्स इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। मॉड का मतलब क्या होता है, या तो वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या तो निगेटिव हो सकती है, देयरफॉर मॉड हटाने में क्या होगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/2 और एक्स इज इक्वल टू 5/2, या तो इस तरह से लिखो या फिर लिखो एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/2 और प्लस 5/2, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। इसका जो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें ध्यान में रखना है, जब भी मॉड हम हटाएंगे या तो वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी या तो वैल्यू नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखे क्योंकि यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, और कोई दूसरा फंक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके,
तो x की जो वैल्यू या तो प्लस 5 बाई 2 रहेंगी या तो फिर माइनस 5 बाई 2 रहेंगी। ओके देन नेक्स्ट वन, अब जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रैकेट क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस, उसके अंदर फिर से वही फंक्शन, उसके अंदर फिर से वही फंक्शन है, इक्वल टू 9 हमें गिवन है। ओके तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस x, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस x करके। ओके तो यही हम पहले यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, फिर हम रिजल्ट में इसे सॉल्व करेंगे। सो वी कैन राइट हेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस, इसे हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ओके इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज सेम वैल्यू है, तो इनकी हम एडिशन कर लेंगे, प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 9। अब फिर से हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी कि ये दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 9, 2 प्लस 1 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 9, डिवाइड में चले जाएंगे, सो देयरफॉर 9 बाय 3 इज इक्वल टू 3, हेंस हमें क्या मिला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3, यानी कि हमें ग्रेट x की जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमें 3 मिली। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 कब होती है, जब x की वैल्यू क्या रहेंगी, x की वैल्यू अगर सपोज 1, ये नंबर लाइन है 1 2 3 4, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 हमें कब मिलेंगे, जब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में अगर हम कोई भी x की वैल्यू लेंगे तो उसकी इंटीजर वैल्यू हमें क्या मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ओके तो x का जो डोमेन रहेगा वो क्या रहेगा, 3 और 4 के बीच में रहेगा, यानी कि कम से कम हम 3 ले सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3.999 ले सकते, बस 4 नहीं ले सकते, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.9 हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 3 मिलता है, और इनके बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसकी इंटीजर वैल्यू में 3 मिलेंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस एक्स इज बिलोंग्स टू 3 टू 4। अब 4 हम यहाँ से हम ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे, क्योंकि 4 से पहले तक के हम कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर हम 4 ले लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 की हमें 4 मिलेंगी, ठीक है, इसलिए हम 4 तक नहीं जाएंगे, 4 से पहले तक के। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, देन नेक्स्ट वन, सो जी क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था जो फ्रैक्शन पार्ट वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होती है, वो या तो 0 हो सकती है या तो 1 से छोटी हो सकती है, ठीक है, यानी 0 और 1 के बीच में हो सकती है, ठीक है, उससे बड़ी हो नहीं सकती। अब यहाँ पे क्या है, गिवन है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो 4 से बड़ी है, जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे any fractional part function have values in between 0 to 1, so therefore here x is belongs to, अब देखो ये जो है ये fractional part function का sign है और ये जो है ये set का sign है, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है x के, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमें 4 से बड़ी मिली है, ठीक है, इसलिए हमने इसे खाली छोड़ा है, या तो हम इसे लिख सकते हैं 5, ठीक है, इस तरह से। देन नेक्स्ट वन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी फ्रैक्शनल पार्ट क्या देकर है, 0 देकर है, तो x की वैल्यू कौन सी हो सकती है, ठीक है, तो किस किस का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है, अगर हम 1 की वैल्यू का निकालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, 1 मीन्स क्या होता है, 1.0 होता है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0। अगर हम 2 का निकालते हैं, 2.0 इसका 0, 3.0, 4.0, 5.0, यानी कि सभी नंबर का जो है फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है, 0 आता है, सभी नंबर्स कौन से नंबर, इंटीजर्स का, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है, इन सभी का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या आ रही है, वो 0 आती है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर क्या हो सकता है, x की वैल्यू सकती है 0, 0 का भी 0 आएगा, ±1 या फिर ±2 या फिर ±3, सो हेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ
इंटीजर्स, ठीक है, यानी कोई भी इंटीजर लेंगे तो उसके जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी, वो आएंगे हमें ज़ीरो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हमें गिवन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.5, तो ऐसे कौन से नंबर है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है, 0.5 आता है। जैसे कि अगर हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये रफ है बॉक्स, जैसे कि अगर मैंने लिखा हो 1.5, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो कितना मिलेगा मेरे, 0.5 मिलेगा। अगर मैं लिखता हूँ माइनस 2.5, तो इसको मुझे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिले मुझे मिलेंगी 0.5। इसी तरह से 3.5 का क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा 0.5। अब देखो 0.5 के सामने कौन सा नंबर लग रहा है, वो सभी क्या लग रहे हैं उनके सामने, इंटीजर्स लग रहे हैं। बस इंटीजर में हमें क्या करना है, सपोज एन इंटीजर है तो इंटीजर में हमें क्या करना है, 0.5 ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो है इसका अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा, ओके। तो अब x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू हम पुट कर सकते n प्लस 0.5, ओके, इच इज इक्वल टू x, इस तरह से। अब n क्या है, n क्या है, n कोई भी इंटीजर हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस n अप टू सो ऑन, ओके। यहाँ पे हमें x की जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगे n प्लस 0.5, वेयर n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, तो लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट, क्या है, टू फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, ओके। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है, और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो x है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, और साथ में क्या है, x है, सिंस x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। अब देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शनल पार्ट से एक फ्रैक्शनल पार्ट कैंसिल हो सकता है, अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा एक फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू दो वन प्लस वन टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। अब ये वैल्यू पॉसिबल है क्या, अब देखो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है या तो वो ज़ीरो होती है या तो फिर वन से पहले, यानी कि ज़ीरो और वन के बीच में होती है, ओके। और जो इंटीजर है, इंटीजर तो हमें पता है ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई नंबर है कि जिसे हम मल्टीप्लाई करने पर हमें ज़ीरो और वन के बीच में वैल्यू मिले, ठीक है, अगर हम सर्च करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसे अगर हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो और वन के, ऐसा इंटीजर जिसको हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो और वन के बीच में हमें मिलती है, ओके। तो वो जो इंटीजर है वो क्या है, वो ज़ीरो है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर सकते हैं तो ज़ीरो के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ज़ीरो आती है, ज़ीरो टू इंटू टू ज़ीरो मिलता है और विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे वन पुट करेंगे तो टू इंटू वन टू हो जाएगा, जो इसके इक्वल पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम माइनस वन पुट करते हैं तो हमें माइनस टू मिल जाएगा, जो कि ज़ीरो और वन के बीच में नहीं आता है। अगर हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें ज़ीरो और वन के बीच में नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट ज़ीरो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो देन अबव इक्वेशन सेटिस्फाई, ओके। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरो पुट कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं ले सकते, ओके। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।